इंदौर की वर्षों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए अनंत चतुर्दशी पर झांकियों का चल समारोह शुक्रवार को निकला। खजराना गणेश मंदिर की झांकी से चल समारोह की शुरुआत हुई। खजराना गणेश की झांकी का कलेक्टर मनीष सिंह, पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र, निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने पूजन किया। पूजन के बाद चल समारोह शुरू हुआ। नहीं, फोटो ही नहीं आएंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कोरोना के बाद इस साल ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। पुलिस कमिश्नर मिश्र ने बताया कि झांकी मार्ग पर 12 वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। अनंत चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर सबसे पहले समस्त जिले वासियों को, इंदौर शहर के नागरिकों को मेरी शुभकामनाएं। कोविड के 2 साल के बाद आज ये शुभ मुहूर्त आया है कि जो इस शहर की पहचान, 2-3 जो त्यौहार हैं जो पहचान है शहर की, उसमें से एक अनंत चतुर्दशी का चल समारोह रहता है, इस साल मनाया जा रहा है। उत्साह बहुत ज़्यादा है और झांकियों को बहुत उत्साह है, सभी ने बनाया है। और खुशी की बात ये भी है कि जितने हमारे छोटे कारीगर हैं उन सबको भी इसमें बहुत रोज़गार मिलता है और सभी ने बड़े दिल से बनाया है। ये अभी शुरू होगा, अभी पूजा पाठ किया है हमारे द्वारा, माननीय चारी साहब द्वारा, कमिश्नर नगर निगम प्रतिभा पाल मैडम द्वारा। और अभी गणेश जी की जो झांकी है, विघ्नकर्ता हैं और सुखदाता हैं, इनकी झांकी अभी प्रारंभ होगी और इसी के साथ ये चल समारोह प्रारंभ हो जाएगा। यह लगभग यहाँ के सबसे बड़े आयोजनों में है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे सड़कों पर होते हैं। इस आयोजन को देखते हुए अभी जानते हैं कि जस्ट थोड़े ही कुछ ही पलों में ये पूरा आयोजन शुरू होने वाला है, झांकी शुरू होने वाली है। अभी यहाँ पर परंपरागत तरीके से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इसको देखते हुए लगभग 14 जगहों पर टावर लगाए गए हैं, लगभग 80 से ज़्यादा जगहों पर हाई राइज बिल्डिंग की व्यवस्था लगाई गई है, लगभग ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं पूरी निगरानी के लिए। और कल एक बड़े आयोजन के स्तर पर काफ़ी बड़ी संख्या में सभी अधिकारियों, 2500 जवानों को बुलाकर तैनाती किया गया, बड़ी संख्या में बल तैनात किया गया है ताकि पूरी व्यवस्था निरापद रहे, सुरक्षित रहे, लोग एक बेहतर सुरक्षित माहौल में इस आयोजन को मना पाए, पूरे उत्साह के साथ मना पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बहरहाल ये आयोजन शुरू हो रहा है और लगातार इस सुबह तक चलेगा। इसमें महिलाओं और बच्चे बड़े संख्या में होते हैं, पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि पूरे आयोजन एक सुरक्षापूर्ण माहौल में। कलेक्टर ने झांकी कलाकारों का सम्मान भी किया। नैनाभिराम झांकियों को निहारने हजारों लोग झांकी मार्ग पर मौजूद रहे। झांकियों के साथ अखाड़ों के कलाकार भी करतब करते हुए निकले।